क्लासेस मैंने जैसे ही ज्वाइन करी, जैसे मैं अंकित अंकित सर के जैसे मैंने लेक्चर शुरू करे, उसके बाद मैं एकदम मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि अब जो है अब सब समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे सर वो था कि एक कोई पीएचडी का ऑफिसर वो प्रोफेसर आके आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा हो, यहाँ पे था एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको कुछ समझाता है तो आपको लिटरली आपको फिर दिमाग में वो चीज बैठ रही थी कि ये चीज अब करनी कैसे है। स्पेशली सर ओमकार सर का जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो लेक्चर्स है, वो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल हुए इंटरव्यू के टाइम के अंदर। कंप्यूटर इंटरव्यू सर, चार राउंड हुए मेरे इंटरव्यू के। पहला राउंड तो एनालिसिस के ऊपर था, जो स्किलेज के जो फर्स्ट जो टॉपिक्स है, रिस्क एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, वो डिटो वही था। उसके अंदर तो मेरे को मतलब ऐसा था कि मतलब वो क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को पता था कि इसका आंसर क्या है, मेरे को ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। मेरे को इतना मैं कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे कि ये हो जाएगा। तो 3 राउंड हुए, उसके बाद हायरिंग मैनेजर का इंटरव्यू था। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको बता दिया कि वो 5 मिनट में हो गया, तो मैंने उनको बता दिया था। तो लेकिन जब उन्होंने मेरे फाइनेंशियल स्किल्स के लिए ऊपर इंटरव्यू लिया, तो वो मेरा जो स्ट्रेच हो गया वो 20-25 मिनट्स में स्ट्रेच हो गया, इतना लंबा मेरा चला गया। क्योंकि मेरे को क्योंकि वो ऑलरेडी इनविटेशन पूछ रहे थे, जैसे डेप्टिक्यूटी रेशियोज का पूछ रहे थे कि आप इंटरप्रेट क्या करते हो इससे। तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर मेरे को इतनी अच्छी नॉलेज हो गई थी पढ़ते पढ़ते कि मैं उनको मतलब बता रहा था, डिफरेंट कंपनीज उनको बता रहा था। तो वहाँ मेरे को बहुत बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। मैं गया था एसोसिएट लेवल के लिए, बट दे सिलेक्टेड मी फॉर सीनियर एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट के मुझे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। तो वहाँ मेरे को ये मुझे बहुत अच्छी एडवांटेज मिली। तो अब तो घर वाले भी खुश हुए कि पापा की कंडीशन वो नहीं थी कि वो बेड रेस्ट में थी इन सब से। अब जो लगता है कि सर अब मैं टाइम टू टाइम सर आपके भी लेकिन वो असिस्टेंट ट्रेन करते, जिसमें मेरे को थोड़ी किक मिलती रही थी, जब आपने पूछा था कि क्या कहते हैं कि टाइम मैनेज शो नहीं हो पाया, तो होता है ना सर कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ता है कई बार। तो कोई बात, मैंने कहा ठीक है, अब सर ने बोला एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है और एफर्ट लगते हैं, क्या पता। तो सर पहले ही टाइम में मेरा पहला वो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का डब्ल्यूएनएस, तो पहले ही फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया था। तो और मॉक पीआई मैं जो साक्षी मांग लिया, मेरे को बहुत सारी वीकनेस भी बता ली।